मुख्यमंत्री जी, आपने कहा 2016 में, उससे पहले 2019 में 1,00,000 बार की किसानों की आय दुगनी करनी है। 10 बार पूछा, राज्यपाल के अभिभाषण की बात है ये। 2016 के अभिभाषण में कहा किसानों की आय दुगनी करनी है। 2018 के अभिभाषण में कहा दो किसानों की आय दुगनी करनी है। प्रधानमंत्री को शेरपुर सीहोर में लेके आए, फिर कहा कि किसानों की आय दुगनी करनी है। मुझे कहा जानकारी एकत्र कर रहे हैं, आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं। आज विजय गहलोत ने ये सवाल किया, क्योंकि हमने कभी कहा ही नहीं कि हमें किसानों की आय दुगनी करनी है। दोनों प्रश्न है ये विद्वान मंत्री जी, इसका उत्तर दिलवाओ सरकार से। एक सरकार है, दो उत्तर है। सरकार है कि सरकार से कहानी बुरी लगती है आपको? आदरणीय अध्यक्ष जी, बात इतनी ही है, बात इतनी ही है। सरकार के दो उत्तर है, सरकार के, मुख्यमंत्री के, मुख्यमंत्री के विभाग के, श्रम से परिणाम का ताल्लुक है। हमें समझाओ मत कि मैंने क्या कहानी कही। एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला जो विलोपित करने जैसा हो। कोई दुर्भावना नहीं है, सदन का सदस्य वहां जनता का आवाज राज्यपाल का अभिभाषण ये अभी 6 का 18 का 8 का ये नहीं दिखा आपको, इसका भी जिक्र करते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, निवेदन ये है कि दुग्ध में किसानों की आय बढ़ी नहीं, इस दौरान घटी और अद्भुत घटी, लागत बढ़ी, यही इसका भी परिणाम है। दूध का उत्पादन प्रदेश में घटा। आपको निर्देशित कर रहे हैं, बार बार निर्देशित कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी ये सही चाहता हूँ कि शालीनता से अपनी बात रखूं, पर जिस तरीके से उधर से अवरोधक आता है, इधर से रिएक्शन होता है, आप दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे तो मैं गलती नहीं करूंगा, ये मैं वचन देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुल मिला के मेरी भावना ये है कि सरकार पिछले 15 साल से ये कह रही है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आय घटी है, लागत बढ़ी है। सारे जितने फर्टिलाइजर है या जितनी कृषि में संसाधन जो उत्पादन के लिए चाहिए, सबकी मूल्य बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है। क्यों नहीं 3,000 रुपए क्विंटल किसानों का गेहूं करना चाहिए, इस बार 3,200 रुपए में बिका है। तो ये मेरा ऐसा बैठो, अब आपसे निवेदन है, बैठो। अब आप शालीनता की बात करिए अध्यक्ष जी, जितने परिवार के लोग उस साइड बैठे हैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के करता हूँ, एक राजनीतिक भावना से ऊपर आके करता हूँ, कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं, किसान से हम ही सब चुन के आते हैं, आप भी, हम भी, कई किसान है, आप भी है, शिवराज जी भी है। क्या हम सर्वसम्मति से ये पास कर सकते हैं कि 3,000 रुपया पर क्विंटल इस साल किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा? इसमें आपको क्या आपत्ति है? प्रस्ताव तो कर ही सकते हैं, आप किसान हितैषी हैं, तो ये करना चाहिए। जब आए 10 साल से हमने वोट लिए, 15 साल से वोट लिए, आपने खरीदा था, तो हम सब मिलकर खरीदा था 2019 में, डॉक्टर साहब हमने क्या खरीदा था, इसलिए हम हट गए। अब आप हो तो मेरा निवेदन यही है कि किसानों का गेहूं खरीदना चाहिए, हाथ ऊंचा करके समर्थन करो। आपसे भी मेरा आग्रह है, नहीं तो ये वीडियो गांव-गांव भेजूंगा मैं, कि बीजेपी के विधायकों ने एक ने हाथ ऊंचा खड़ा नहीं किया 3,000 रुपए क्विंटल में। आपसे हाथ जोड़ के समर्थन करो। हम कांग्रेस पार्टी का एक एक विधायक मांग करता है सरकार से, मुख्यमंत्री से, कि इस बार की खरीदी 3,000 रुपए क्विंटल हो गेहूं की। आप सब इसमें सहमत नहीं हो, मध्य प्रदेश का किसान देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है, और वो बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब किसानों का सर्वसम्मति से 3,000 रुपए क्विंटल मांग की थी, तो ये समर्थन नहीं है। पर मेरे से गलती इतनी हो गई कि मैंने समर्थन इनसे मांग लिया, इन्हें नहीं दिया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं।